So close. जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग पे। आज मैं जराटोली गांव में हूँ। आपने पिछला ब्लॉग में देखा था कि मेरे चाचा के गाय हैं, तो चाचा का दूध का बिजनेस है, तो मैं आज जा रहा हूँ दूध बेचने, क्योंकि चाचा जा रहे हैं खेत, सॉरी बारी जा रहे हैं। बारी में सरसों लगाना है, तो बारी में हल लगाने के लिए गए हैं, तो मैं उनके जगह में जा रहा हूँ आज दूध बिक्री करने। पांडे जी आ गया, देख लो। चलो पांडे आ गया। हाँ, पांडे जी, हम लोग पांडे जी। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। इसलिए हम इसको पकड़े ना, तो हल्का क्यों लग रहा है। ठीक है, हाँ आप आ गए। आज उधर से बांटते आ रहे हैं। हाँ, इधर ना तो ये रास्ता होगा, दूसरे में रास्ता ही नहीं पा रहा हूँ। उधर वाले में उधर से इधर लगा। दूध बांटने गए थे, दूध बांटने। दूध सेल करके मैं घर आ गया, और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके बारी आया हूँ। इसी खेत में चाचा हल लगा रहे हैं, तो मैं भी आया हूँ, आज ट्राई करूँगा। ऐसा तो मैं पहले भी हल चलाता था, लेकिन बहुत दिन हो गया है मैं नहीं चलाया हूँ, तो आज ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कर पाता हूँ या नहीं।
खेत जोत के हम लोग ख़त्म कर दिए। अभी आप देख सकते हैं ऊपर नीचे है, इसको बराबर करने के लिए दूसरा औजार लगाया जा रहा है। ये मेरे बाबा के मामेरे भाई हैं मार्शल सिंह का, जो गाय और सुअर आप देखे थे पिछले ब्लॉग में, इन्हीं का है ये सारा चीज। तो अभी घर जा रहे हैं, घर में फिर तैयार होकर के जाएंगे हम लोग हुलुंडो। हुलुंडो में कहीं पे प्रेयर करता है कोई, तो वो चाची वहाँ लेना चाह रही है, तो इसलिए जा रहे हैं घर। गांव में एक छोटा सा चर्च था जीएल चर्च, उसको तोड़ करके नया चर्च बनाया जा रहा है, ये वाला चर्च है। चाची लोग जहाँ पे ले जाना चाह रहे थे वहाँ आज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो आदमी कहीं और चला गया। तो मैं अभी जा रहा हूँ नाना को लेने, वो सिलीगुड़ी से आए हैं। सिलीगुड़ी से आए हैं तो वो हम लोग घर आना चाह रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं उनके पास। उनके पास जाएंगे फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग रांची, मेरा घर। मेरे ये वाला नाना सिलीगुड़ी में रहते हैं, रांची आना जाना इनका लगा रहता है, लेकिन कभी भी मेरे घर नहीं आए हैं, इसलिए मैं आज इनको अपना घर ले जाने के लिए जा रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी के पास एक नया घर बना रहे हैं मौसी लोग, तो नाना लोग आज यहीं हैं, यहीं से ले जाना है इनको घर। यही लोग हैं सिलीगुड़ी वाला नाना नानी और मौसी। रांची वाला घर दिखा दिया नाना को, और नानी चाह रही है एक और रिश्तेदार के यहाँ जाना, तो अभी उसको वहाँ छोड़ने जा रहे हैं। जगन्नाथपुर मौसीबाड़ी के पास नानी का एक रहता रिलेटिव लोग, तो नानी आज यहीं पर रुक रही है और नाना को ले जा रहे हैं गाँव। अभी थोड़ा ठंडा का समय है, इसलिए नाना स्वेटर भी पकड़ ले रहे हैं, हो सके आने में लेट होगा तो ठंडा लगेगा। गांव के पास दशम फल है, इसलिए पहले मैं नाना को दशम फल घुमा लूँगा और उसके बाद ले जाऊँगा अपना घर। आज यहाँ पर भी घूमने के लिए बहुत सारा लोग आए हुए हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। आज से पहले मैं जब कभी भी दशम फल आया हूँ, बंदर पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन आज मैं यहाँ बंदर भी देख पा रहा हूँ। थोड़ा देर घूम लिए, अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग घर पहुंच गए हैं, लेकिन चाची लोग नहीं है, वो लोग गई है बाहरी तरफ,
तो जाते हैं उनको बुला के लाते हैं। मेरी चाची लोग बारी में उड़द लगाई है, उसी को अभी उखाड़ रही है। और ये है उड़द का पौधा, अभी ये तैयार हो गया है, इसको अभी सुखा करके दाल बनाया जाएगा। ये मेरे चाचा उड़द का पौधा को धूप में डाल रहे हैं सूखने के लिए। खाना पीना खा लिए, अब हम लोग जा रहे हैं वापस रांची। हम लोग गांव से रांची आ गए, नाना को मुस्ती के यहाँ पहुँचा दिए और मैं और मेरी माँ घर आ गए रांची। तो हम लोग आज का ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जोहार।